एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट रही। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं ए के 1, -5, बी के -4, 5। इसको एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है एट एक्स एक्सिस, मींस हमारे पास दो पॉइंट्स हैं ए बी, उसको एक्स एक्सिस वाला पॉइंट डिवाइड कर रहा है। एक्स एक्सिस में कौन सा पॉइंट होता है? x, 0। अगर वाई एक्सिस बोला होता तो हमारा पॉइंट क्या होता? 0, y। तो एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा मतलब एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है x, 0। रेशो पता नहीं, अपने रेशो के रेशो मान ले लेनी है। जब भी मेरे प्यारे बच्चों रेशो ना पता हो, आप रेशो क्या लेंगे? के रेशो 1 लेंगे। सो आपने के रेशो 1 ले ली रेशो। तो अब हमने पहले यहां पे ये x1 y1 x2 y2, ये एक्स वाई, y की वैल्यू पता है 0। तो पहले y का फॉर्मूला लगाए, जिसकी वैल्यू पता होगी उसका फॉर्मूला लगाना है हमें। So, हमारे पास y का फॉर्मूला लगाया m1 y2 m2 y1 m1 plus m2, और हमारे पास m1 is k, y2 is 5, m2 is 1, y1 is -5, k plus 1 और y 0। ये उधर जाके 0 ही बन गया, तो 0 is equal to 5 के -5 आ गया। ये -5 उधर जाके क्या हो गया? +5। तो k किसके इक्वल आ गया? 5/5, that is 1। K1 यहाँ पे K1 फिल करा, तो मेरे पास देखो K जो भी आता है वो रेशो हो जाती है। जो भी मेरे पास K आया, K क्या आया? 1:1 हो गई। मींस यहाँ पे K की जगह 1 फिल कर दिया, m1:m2 1:1 आ गई। तो मेरे को अब X की भी वैल्यू निकालनी है। X का फॉर्मूला क्या होता है? m1x2 plus m2x1 upon m1 plus m2। वॉट इज m1? अब 1 हो गया ना, K की वैल्यू 1 हुई है। 1 × x2 - 4 1 × x1 1 अपॉन m1 plus m2 1 plus 1, और मेरे पास ये x आ गया। क्वेश्चन खत्म हो गया।